रंग गोरा हो सांवला हो ये मायने नहीं रखता, बस हमारा चेहरा बेदाग होना चाहिए, उस पर ग्लो होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए चेहरे पे। आप किसी किसी की स्किन देखते होंगे ऐसे मुरझाई सी दिखती है, बिल्कुल भी चमक नहीं रहता चेहरे पे, हमेशा डल दिखता है चेहरा। तो ये सारी चीज़ों से अगर आप नेचुरल तरीके से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये घरेलू नुस्खा एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। जैसे कि अभी हमारे सारे फेस्टिवल एक के बाद एक आ रहे हैं, नवरात्रि चालू है, ऐसे में आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, आपके पास टाइम नहीं, आप पार्लर जाए, फेशियल ब्लीच करवाए या फिर आप मार्केट वाला कुछ भी अपने चेहरे पर अप्लाई नहीं करना चाहते तो एक बार ये घरेलू फेस पैक अप्लाई करके देखिएगा। बहुत ही कमाल का रिजल्ट आने वाला है आपके चेहरे पर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट मैंने नहीं ऐड किए, मुश्किल से 3 से 4 इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो कमाल का है। एक बार मेरे बोलने पे इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमें लेना है 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी वैसे तो आजकल सभी रखते ही हैं अपने पास, तो 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी रखना। मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप यहाँ पे बेसन ले सकते हैं या फिर चावल का आटा भी ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी लिया है। और उसके बाद इसमें हम 2 से 3 इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। तो इतना कमाल का इंग्रेडिएंट तो रिजल्ट तो हमें इसका मिलना ही है। तो इस तरह से देखिए हमें 3 से 4 ड्रॉप यहाँ पे ऐड करना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन नहीं है तो आप इसकी जगह पे 2 से 3 ड्रॉप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, अगर आपको सूट करता है तो। बहुत लोग बोलते हैं हमें सूट नहीं करता, जिसको सूट नहीं करता वो स्किप कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमें 1 विटामिन ई की कैप्सूल लेनी है। जैसे कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप 1 कैप्सूल लीजिए, नॉर्मल स्किन है तो आधा कैप्सूल भी अगर आप इसमें ऐड करोगे तभी भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यहाँ पे मैं 1 कैप्सूल ऐड कर रही हूँ क्योंकि विटामिन ई की कैप्सूल मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा सूट करती है। और ये रेमेडी ऑयल टाइप स्किन वाले लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ग्लिसरीन या विटामिन ई की कैप्सूल में से दोनों में से कुछ एक आप स्किप भी कर सकते हैं। इस रेमेडी को मैं रोज वाटर में बना रही हूँ। अगर आपका चेहरा हमेशा ड्राई लगता है तो आप इसे दही में बना सकते हो या फिर कच्चे दूध में बना सकते हो। 1 चम्मच हमें यहाँ पे ऐड करना है टोमेटो पल्प। मैं इसे रोज वाटर में बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे टोमेटो पल्प ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसे दही में बनाते हैं तो आप टोमेटो पल्प स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो लाने का काम करता है। तो यहाँ पे मैं इसे रोज वाटर में बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे टोमेटो पल्प ऐड किया है। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, 2 मिनट के लिए रख देना है जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे में। और उसके पहले हमें फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, रिजल्ट इतना अमेजिंग है ना आप खुद हैरान हो जाने वाले हो। इसे आपको हफ्ते में एक बार अप्लाई करना है कोई भी आपकी स्किन हो। इंस्टेंट ग्लो के लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही है ऐसे में अगर आपको आपके चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो चाहिए है, आपका चेहरा डल दिख रहा है तो इसे एक बार अप्लाई करके देखिएगा। 10 से 15 मिनट में ऐसा गजब का निखार आएगा आपके चेहरे पे, आप खुद हैरान हो जाओगे। बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। अगर आपका चेहरा हमेशा डल दिखता है, चेहरे पे ग्लो नहीं है, एक्ने पिंपल्स है आपके चेहरे पे या फिर पुराने दाग धब्बे हैं, उससे आप नेचुरल तरीके से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये रेमेडी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। फेस को अच्छे से पहले क्लीन कर लेना है, उसके बाद पूरे फेस पे एक मीडियम सा लेयर हमें लगा लेना है, 10 से 15 मिनट रखना है। जब ये ड्राई हो जाएगा नॉर्मल वाटर से आप इसे रिमूव कर सकते हैं या फिर आप हथेली में थोड़ा सा कच्चा दूध लेके मसाज करते हुए भी इसे रिमूव कर सकते हैं, उससे आपके चेहरे पे और अच्छा ग्लो आएगा। मसाज करते हुए रिमूव करेंगे तो अगर आपके चेहरे पे रेड सेल्स है या फिर ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। अगर आपके चेहरे पे ओपन पोर्स की समस्या है तो इसे रिमूव करने के बाद आपको 2-3 आइस क्यूब लेना है, उससे फेस पे 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है। उससे जो आपके फेस पे ओपन पोर्स है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगेंगे। आइस क्यूब से अगर हम मसाज करते हैं तो हमारा जो कलर टोन है इम्प्रूव होता है, हमारी स्किन फेयर होती है और ओपन पोर्स की समस्या धीरे धीरे रिमूव हो जाती है। ओपन पोर्स अगर हमारे फेस पे रहता है तो हमारे चेहरे पे कभी भी ग्लो नहीं दिखेगा। आप कितना भी मेकअप करो, कितनी भी महंगी महंगी क्रीम अप्लाई कर लो तो ओपन पोर्स की समस्या को दूर करने के लिए आपको आइस क्यूब से डेली मसाज करना है 2 से 3 मिनट के लिए। समय से पहले अगर आपकी स्किन लूज हो गई है, चेहरे पे रिंकल्स लाइंस बनने लगी है तो स्किन को टाइट करने के लिए भी आप आइस क्यूब से डेली अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हैं। आइस क्यूब हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, स्किन को ठंडक देती है, स्किन को टाइट बनाती है, ब्राइट बनाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं रिमूव कर रही हूँ, आप देख रहे स्किन कितनी ग्लो कर रही है। यहाँ पे मैंने फेस पैक को रिमूव किया है और देख रहे मेरा फेस कितना क्लीन लग रहा है। नोज एरिया पे थोड़ा थोड़ा सा रेड हो गया क्योंकि फेस पैक थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एलोवेरा जेल। आप कुछ भी अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई क्रीम हो या सीरम हो, जो भी आपको अप्लाई
करना हो, मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो ये रेमेडी ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, जिससे कि जब भी मैं कोई नई रेमेडी शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ।